हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ट्रेन के सेम कोच में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है सुरेंद्र सिंह और हमारे एक वीडियो में कमेंट किए थे कि कैन वी बुक्ड द सीट नंबर विथ इन सेम कोच बाय इक्सिगो ऐप। तो फ्रेंड्स, ये कहने का मतलब है कि ये जो है बुक करना चाहते हैं और सेम कोच में बुक करना चाहते हैं। तो सेम कुछ कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि आपका कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली का आदमी कहीं जा रहा है और अगर उसने ट्रेन का टिकट पहले से बुक किया हुआ है और बाद में आप भी उसी डेट में जाना चाहते हैं और उसी डेट का टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है दोनों का जो कोच नंबर है वो अलग अलग हो जाता है, ऐसे में थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स। तो अगर आप चाहते हैं कि जिस टिकट में आपके फ्रेंड्स या फैमिली या परिवार किसी का भी जिसके साथ आप जाना चाहते हैं उसका जिस बोगी में टिकट है, अगर आप भी उसी बोगी में जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ आप इजीली से समझ जाएंगे और आप भी उसी कोच का टिकट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, शेयर करें और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा तो ऐसे ही आपके कमेंट को भी मैं वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपने IRCTC ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यह ओपन हो गया, यहाँ पे प्लान माई जर्नी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है और आपके फ्रेंड्स का जिस भी ट्रेन में टिकट है आपको याद रखना है कि आपको उसी ट्रेन में टिकट लेना है और अगर उसका स्लीपर में, AC में, जनरल में, जिसमें आपको भी उसी में क्लिक करना है तभी आपको सेम कोच में टिकट मिल पाएगा। तो चलिए मैं भागलपुर टू आनंद विहार ले लेता हूँ और यहाँ पे सीट टू में डेट 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद फ्रेंड्स मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो भी ट्रेन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आपका फ्रेंड जिस ट्रेन से जा रहा है उसी ट्रेन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसमें से वो स्लीपर में जा रहा है, AC में जा रहा है, जनरल में जा रहा है, जिसमें भी जा रहा है आपको उसी को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं स्लीपर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको ध्यान रहे कि उस ट्रेन में सीट अवेलेबल होना चाहिए तभी आपको सेम कोच में टिकट मिलेगा। अगर उस ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको सेम टिकट नहीं मिलेगा। जैसे ये फ्रेंड्स फरक्का एक्सप्रेस और इसमें देखिए दिखा रहा है कि जैसे इसमें सीट अवेलेबल दिखा रहा है 13 फरवरी को 145 सीट है और मान लीजिए मेरा फ्रेंड्स इसी ट्रेन से जा रहा है, वो स्लीपर से जा रहा है और इसमें अभी 145 सीट अवेलेबल है तो हम उसी कोच में टिकट ले सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा ID और कैप्चा है वो हम फिलअप कर देते हैं। इसके बाद हम लॉगिन पे प्रेस कर देते हैं। लॉगिन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे पैसेंजर डिटेल पे हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आई एग्री को क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स जब भी आपका जो भी पैसेंजर का नाम होगा आप यहाँ पे पैसेंजर का नाम ऐड कर देंगे। तो चलिए मैं कोई भी फ़िलहाल एक पैसेंजर का नाम ऐड कर देता हूँ, ABCD कुछ भी, आपके शॉर्टकट के लिए मैंने डाल दिया ABC पैसेंजर का नाम और इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर दिया 25 और इसको मेल करके और मैंने यहाँ पे इसे ऐड पैसेंजर कर दिया। फिलहाल मैंने जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पे है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करने का मतलब है कि अगर उस ट्रेन में आपको टिकट नहीं हुआ तो आपका टिकट, आपको जो सीट है वो AC बोगी में मिल सकता है अगर AC बोगी में अवेलेबल होगा तो। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब आप स्लीपर में टिकट लिए और स्लीपर में अगर आपको टिकट नहीं मिला और उसी ट्रेन में AC बोगी में सीट अवेलेबल रह गया तो उसमें क्या होता है जो टिकट है आपका स्लीपर का वो आपसे अपर लेवल में वो अपने आप अपग्रेड हो जाता है तो आपको वहाँ पे क्लिक नहीं करना है इसके लिए। और जो सेकंड है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आज एलोकेटेड, तो इसको भी आपको क्लिक नहीं करना है। नीचे जो यहाँ पे दिख रहे हैं एक ऑप्शन दिख रहा है ये वाला ऑप्शन एंटर प्रीफर्ड कोच नंबर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वो कोच नंबर डालना है जिस कोच में आपके फ्रेंड्स का या आपके फैमिली का
बर्थ है। तो चलिए मैं यहाँ पे S9 डाल देता हूँ, S9, S5 जो भी आपको उस तरह से, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं S5 डाल देता हूँ। और S5 डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है रिजर्वेशन चॉइस का, तो आपको रिजर्वेशन चॉइस पे यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये रिजर्वेशन चॉइस है, इसको पक्का क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है बुक ऑन दी इफ आर बर्थ्स आर एलोकेटेड इन द सेम कोच, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जो तीसरा और चौथा है, तीसरा में ये कह रहा है कि बुक ऑनली इफ एट लीस्ट वन लोअर बर्थ इज एलोकेटेड, मतलब कि अगर आपको एक लोअर बर्थ चाहिए तभी कंफर्म हो, तब आप तीसरा पे क्लिक कर सकते हैं। और चौथा जो कह रहा है अगर आपको दो लोअर बर्थ चाहिए तभी आप सीट चाहिए, तो ये कह रहा है चौथा, तो आपको दूसरा में डालना है बुक ऑनली इफ ऑल बर्थ्स आर एलोकेटेड इन द सेम कोच। तो मैं दूसरे को क्लिक कर लेता हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स क्या होगा, जब ये सीट कंफर्म होगा तो आपका ये सेम कोच में ही सीट मिलेगा आपको। इस तरह से आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देंगे, जो भी पिन कोड है, और फिर आप जैसे टिकट बनाते हैं आपको वैसे ही टिकट बना लेना है। टिकट बनने के बाद जो आपका टिकट बनेगा वो आपको सेम कोच में मिलेगा, जिस कोच में आपका फ्रेंड्स जा रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और एक बार फिर से कहते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है या आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर आपका कमेंट अच्छा होगा तो मैं आपके कमेंट को वीडियो में इंक्लूड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे यूजफुल ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।